तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज मत भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जामन और उसके बीजों के फायदे। क्या आप जानते हैं कि जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए जामन और उसके बीजों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा भी जामन और उसके बीजों के कई फायदे हैं। आमतौर पर लोग ये खट्टा मीठा रसदार फल जामन, जो ना सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि इसके बेशुमार फायदे हैं, इसको खाकर इसकी गुठली फेंक देते हैं। लेकिन मौसम गर्मा के इस खास फल के फायदे सिर्फ गूदे ही में नहीं बल्कि इसकी गुठली में भी मौजूद हैं। जामन की गुठली का पाउडर और जामन के गूदे को मिलाकर पेस्ट बना लें और फ्रिज में रख लें। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है और कमर और जिस्म के दर्द में भी आराम मिलता है। जिन लोगों का गला अक्सर ख़राब रहता है वो भी इस फल से फ़ायदा उठा सकते हैं। जामन की गुठली के पाउडर को छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और शहद लगाकर चूसें। मुस्तकिल ये अमल करने से गले की तकलीफ़ में वाज़े बेहतरी आती है। जामन की गुठलियाँ सुखा कर ग्राइंड कर लें और शीशी में डाल लें। ये पाउडर मैदे के अमराज में मुफीद है। इसके अलावा शुगर के मरीज भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सुबह शाम एक चाय का चम्मच इस पाउडर को पानी के साथ इस्तेमाल करने से शुगर भी कंट्रोल रहती है और मैदा भी ठीक रहता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की सतह को कम करने में भी जामन मदद कर सकते हैं, जो दिल की बीमारियों के लिए एक अहम ख़तरा है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए ये फल बहुत मुफीद है। रसीले जामन गजाइयत से भरपूर होते हैं, जबकि फाइबर का एक बेहतरीन जरिया है। ये आपके पेट के दर्द, तेजाबियत, सीने की जलन, कब्ज जैसे मसाइल से निजात दिलाने में भी मुआवन है। जामन हमारे खून को साफ करता है और हमारे खून से उन बैक्टीरिया का खात्मा करता है जिनके बायस हमारी जिल्द को कील बहासों जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। यूं जामन जिल्द की खूबसूरती के लिए भी मुफीद है।